नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि वहां हर साल कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। कभी ग्लेशियर टूटकर गिर जाता है, तो कभी भूकंप तबाही मचाता है, तो कभी भारी बारिश और हिमस्खलन इस राज्य पर कहर बनकर टूटता है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान भी होता है। एक्सेस रेन या बादल फटना। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में कभी कभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिसे बादल फटने की घटना कहा जाता है। अचानक बादल की घटना की वजह से बारिश भी तेज होने लगती है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और तेज बारिश की वजह से भूस्खलन भी होता रहता है, जिसकी वजह से जानमाल का काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जंगल में आग। बारिश के मौसम में बारिश और ठंड के मौसम में बर्फबारी की वजह से परेशानियों का सामना करने वाले इस राज्य को गर्मी के मौसम में वन अग्नि की घटनाओं से भी जूझना पड़ता है। कभी कभी तो प्रचंड गर्मी यानी कि बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में ऐसी भीषण आग लग जाती है जो महीनों तक धधकती ही रहती है। इस राज्य के कुल भूभाग का करीब 45% हिस्सा वनों से पटा रहता है, जिसकी वजह से जंगल में लगी आग फैलती ही जाती है और हर साल लाखों का नुकसान होता है। भूकंप। भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है, जिनमें से 2 जोन तो अकेले उत्तराखंड में ही आते हैं। चौथे संवेदनशील जोन में जहां देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर जैसे जिले आते हैं, तो वहीं 5वें जोन में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले आते हैं। भूकंप की वजह से पहाड़ों के टूटने और चट्टानों के खिसकने की घटनाएं अक्सर होती हैं। यही वजह है कि इस राज्य को भूकंप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भूस्खलन। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसे इस छोटे से राज्य में भूस्खलन की घटनाएं भी होती रहती हैं। धरातल में होने वाली हलचल, जैसे पत्थरों का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का कटाव, ये सभी भूवैज्ञानिक घटनाएं यानी कि भूस्खलन इनको कहा जाता है। पिथौरागढ़ के मालपा में 17 अगस्त 1998 में आए भूस्खलन की वजह से ही 350 लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा साल 2010 में बागेश्वर के कपकोट में सरस्वती शिशु मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसमें 18 बच्चों की मौत हो गई थी। हिमखंडों का गिरना। उत्तराखंड राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही बर्फबारी होती रहती है। कभी कभी तो ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों से हिमखंड टूटकर गिरने लगते हैं, जिसकी चपेट में अक्सर नीचे से गुजरने वाले वाहन भी आ जाते हैं, जिससे भी जानमाल का नुकसान होता रहता है। साल 2019 में तो एक महिला पर हिमखंड टूटकर गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। बारिश। उत्तराखंड का मौसम ऐसा है कि यहाँ कब बारिश हो जाए, कब तेज धूप निकल जाए, ये कहना मुश्किल है। कभी कभी तो इतनी तेज बारिश होने लगती है कि ये बाढ़ का रूप ले लेती है। साल 2013 में तो जो तबाही आई, उसने पूरे राज्य की सूरत ही बदल कर रख दी। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से 5,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 4 धाम में से एक केदारनाथ धाम को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इस साल करीब 340 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य बेंचमार्क 65.9 मिलीमीटर से करीब 375% ज्यादा थी। ग्लेशियर टूटना। ग्लेशियर सालों तक भारी मात्रा में बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो ग्रेविटी की वजह से और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे कॉल्विंग कहते हैं। कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं, कुछ 2 या 3 साल के अंतर पर। कुछ कब टूटेंगे, इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है।